नमस्ते जी, राम राम जी, वंदे मातरम। मैं आकाश कुमार, मैं आज आपको स्पायर रूट निकालने सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टू का स्पायर निकालते हैं। पहले तो हम स्पायर खोलना ही सीख लेते हैं। कैसे? इसकी हमें जो डिजिट दी है उसको दो बार लिखना, बस इतना ध्यान रखना। टू इंटू टू, टू टू जा फोर, समझ गए? ऐसे थ्री का स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री कितना हो गया? नाइन। ऐसे हम एट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ऐसे हम नाइन का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ऐसे हम सेवन का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ऐसे हम फाइव का स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ गए हो? एट एट जा 64, नाइन नाइन जा 81, सेवन सेवन जा 49, एंड ऐसे फाइव फाइव जा 25। ठीक है, ये तो थे फर्स्ट डिजिट नंबर जिसमें ई की संख्या थी। अब मैं तुम्हें दो संख्या वाले बताता हूँ, दो संख्या के हम कैसे निकालते हैं। हम लेते थर्टीन का स्क्वायर। पहले थर्टीन का स्क्वायर पहले हम खोल लेते, ट्रिक सीख लेते। इन्हें दो संख्या को ए और बी में बांट दो, ठीक है? फिर इन पर स्क्वायर चढ़ा दो। ए का स्क्वायर चढ़ा दो, टू इंटू ए इंटू बी, फिर बी का स्क्वायर चढ़ा, ठीक है? वन का क्या होगा? वन का स्क्वायर क्या होगा? वन का वन, ठीक है। थ्री थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, ठीक। एंड थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। ऐसे ही सेवनटीन का स्क्वायर, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, नाइन यहाँ फोर कह रही, याद रखना। सेवन टू जा फोर्टीन और वन, फोर्टीन फोर्टीन वन जा फोर्टीन और फोर एटीन, एट यहाँ वन कैरी, वन वन जा वन और वन में वन जोड़ दिया टू, ठीक है? समझ रहे हो ना आप? ऐसे हम नाइनटीन का, नाइन नाइन जा, नाइन नाइन जा एट्टी वन, वन यहाँ एट कैरी, नाइन टू जा एट्टीन, एट्टीन वन जा एट्टीन, एट्टीन में एट जेड जा ट्वेंटी सिक्स, सिक्स यहाँ टू कैरी, वन का वन और वन में टू जोड़ दिया थ्री। ऐसे हम 22 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 22 का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। ऐसे हम 27 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 7 7 जा 49, 9 यहाँ 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 2 जा 18, 18 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 32, 2 यहाँ 3 कैरी, 2 2 जा 4 और 37, ठीक है? अगर आपको मेरे सिखाए हुए वर्ग पे बहुत आसान लग रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ और वो मुझे आप होमवर्क मेरे कमेंट में बताएं। होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपको मेरी आसान ट्रिक लगे है, अगर आप समझ चुके हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में मेरे होमवर्क का आंसर दो। 49 का स्क्वायर निकालना है आपको, 37 का स्क्वायर निकालना है आपको, 99 का स्क्वायर निकालना है आपको, 21 का स्क्वायर निकालना है एंड 46 का स्क्वायर निकालना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में मेरी वीडियो शेयर करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।